जय हिंद, जय हिंद बच्चों। अरे जय हिंद तो बोलते जाओ कम से कम, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, क्लास के अंदर बात कैसे बोलते तुम, इच्छा नहीं होने के बाद भी गुड मॉर्निंग सर जैसे बोलते जाओ। अच्छा, नाइन स्टैंडर्ड, चलो ट्राइंगल चैप्टर प्रैक्टिस सेट 3.1। 3.1 में आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मिस, दैट क्वेश्चन इज सो टफ दैट वी आर अनेबल टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू थिंक और इफ यू ओपन द डाइजेस्ट इजीली थिंग्स आर गेटिंग इन योर माइंड, बट क्वेश्चन नंबर 10 इट क्रिएट्स सम कंफ्यूजन। इफ यू सॉल्व इट, if you try to learn from the digest, still it creates problem, means things are not clear. When things are not clear, they will not go in your minds. When it does not enter in your mind or in the brain, you are not happy, you will always be upset. Why not like this? This creates a lot of n number of problems. It gives birth to n number of problems, and we cannot walk smoothly in our life. So whenever they doubt, learn to clear at that point only, from here, there, anywhere else. See, whenever we are getting some benefit, so learn to bend. Why? It gives return that we are in a benefit zone. When you don't have any profit or loss, so don't bend in front of anyone. But when we are getting benefit, no, that time learn to bend. Okay? Chalo, back to the point 10. यही अपनी खासियत है कि जो नहीं आता है समझने में से समझता नहीं, उससे मैं समझा के देता हूं बड़ी आसानी से। अब ध्यान दो, पूरा फोकस करो, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करता हूं, फिर वीडियो पॉज करो और मेरे जैसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां पे दिक्कत आती है रिटर्न जो हम कर सकते हैं रिटर्न जाओ, फिर देखो, उसके बाद भी समझ में ना आ गया तो फिर मेरे जैसे गधा मैं ही हूं, क्योंकि मेरे को फिर और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। चलो, what is the question? In figure 3.13, DE is parallel to GF. DE is parallel to GF. Ray EG and FG are the angle bisector of angle DEF, DEF and angle DFM. Very good. Respectively, prove that angle DEG, you can show angle banai, is half of EDF, EDF, यहाँ पे जो एंगल होना है इसका हाफ यहाँ पे आता है, प्रूव दैट। और बाद में इस साइड का मेजर और इस साइड का मेजर सेम है, वो हमें दिखाना है। चलो ठीक है, अब देखो प्रोसेस, बी इन प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी सब बकवास। रे ईजी इज एंगल bisector of angle D E F. किसी को कोई डाउट? D ray EG is angle bisector of this. मैंने लिख दिया। अगर angle bisector है तो दावे के साथ इसका मेजर और इसका मेजर सेम है, कितना है किसी को पता नहीं, तो मैंने कह दिया let angle D E G equal to angle GEF बोलो, GEF बोलो नहीं तो GEM बोलो, इक्वल टू X डिग्री। यहाँ पे X डिग्री है, यहाँ पे X डिग्री है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, देयरफोर अब पूरा एंगल DEF कितना हुआ, DEF कितना हुआ, X प्लस X कितना हुआ, 2X। किसी को कोई डाउट? नो डाउट, उसको याद मत करो, एक तरीके के साथ चलो मेरे साथ, ठीक है। यहां से यहां तक x, तो पूरा एंगल 2x आना। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ठीक है, अब उन्होंने दिया है, क्या दिया है, गिवन DE दिखाई दिया आपको, DE इज पैरेलल टू GF, DE इज पैरेलल टू GF, मन से नहीं दिया है, वही लिखा। लेट EM ट्रांसवर्सल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दो एंगल क्या होते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ठीक है, यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल,
तो इसका मेजर और इसका मेजर कितना होने वाला है, सेम होने वाला है. देयरफॉर एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल जी एफ एम. यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा पर एक्चुअल में है वो. सी दे आर नॉट पैरेलल एग्जैक्टली, मैंने फिगर बनाई पर करस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से यहाँ का मेजर सेम होता है. इक्वल टू कितना 2x. इसका कारण, हाँ सर, करस्पॉन्डिंग एंगल. किसी को कोई डाउट? अगर पूरा 2x है तो यहाँ पे कितना आया 2x. कोई डाउट? नो डाउट. चलो ठीक है. अब देखो टप्पे टप्पे से रे रे एफ जी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम. वो तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं. अगर गिवन है तो इसका मेजर सेम होने वाला है. देयरफॉर एंगल डी एफ जी इक्वल टू एंगल जी एफ एम इक्वल टू 2x. तो यहां पे भी कितना आया 2x. अब ये पूरा एंगल कितना हो गया? देयरफॉर एंगल डी एफ एम कितना हो गया, उसके निकालने की जरूरत है, निकाला 4x. कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं. चलो ठीक है. अब देखो एक लाइन दूसरी लाइन कौन कौन सी, डी ई इज पैरेलल टू जी एफ गिवन. अब मैंने क्या किया, ट्रांसवर्सल. लेट डी एफ बी अ ट्रांसवर्सल. ओके, ये तो गिवन है. दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ट्रांसवर्सल. अब इसका मेजर और किसका दिस लाइन एंड दिस लाइन जेड बना, जेड के फॉर्म में ना. हाँ, अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड. एंगल ईडीएफ इक्वल टू एंगल डीएफजी इक्वल टू 2x. नामकरण अल्टरनेट एंगल. यहां पे कितना आया 2x. हो गया खलास. देखो उन्होंने क्या पूछा, देयरफॉर एंगल डीईजी, मैंने सीधा लिख दिया हाफ एंगल ईडीएफ. सर किसके भरोसे पे, आपने देखो तो सही. अब देखो डीईजी ये कितना है, ये एक्स ही है. ईडीएफ कितना है 2x. ईडीएफ कितना है 2x, सही ना. ये अगर एक्स है, यहाँ पे हाफ, और ये कितना है ईडीएक्स 2x. ये टू टू कट हो गए, x इक्वल टू x. हेंस प्रूफ हो गया ना, प्रूफ. बाद में क्या दिखाना है हमको, अरे बड़ा आसान होता है, इस साइड का और इस साइड का मेजर सेम दिखाना है. ठीक है, अब मैं क्या करूं, देखो क्या करो एक काम करते. डीई इज पैरेलल टू जी एफ, यस और नो, गिवन है. क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू जी एफ. अब मैंने ट्रांसवर्सल ईजी को किया. ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल बस ट्रांसवर्सल चेंज करना है, अपना काम होता है. ट्रांसवर्सल ईजी किसको दिया, ईजी को. ईजी ये देखो जेड बन गया, उल्टा जेड बन गया. अगर यहां पे एक्स है तो यहां पे भी कितना होने वाला है, एक्स होने वाला है. देयरफॉर एंगल डीई जी इक्वल टू एंगल ई जी एफ इक्वल टू एक्स डिग्री. यहां पे भी एक्स आएगा. अब बारी इन ट्राइंगल ई जी एफ दिखाई दिया. इसका मेजर सेम है. कन्वर्स आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या कहता है, अगर साइड सेम है तो सामने वाला एंगल सेम होता है. कन्वर्स क्या कहता है, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल सेम है, यहां का तो इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम ई एफ इक्वल टू एफ जी. हेंस प्रूफ. आपको चीजें समझ लेनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप. अगर आप इसको याद करोगे, जैसे कि कल टेस्ट है और आपको पता चला कि 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स को एग्जाम में आने वाला है, पक्का सब श्योर है.
और रात भर अपनी पढ़ाई की, उसको याद नहीं किया, समझा नहीं, याद किया तीन चार बार, लिखा 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 और सो गए, और उसके भरोसे में अगर एग्जाम में गए तो आपकी गड़बड़ होना ही होना है, क्योंकि एग्जाम में बस यही क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आपने और क्वेश्चन देखे दूसरे भी इसके साथ साथ, तो माइंड अप्स एंड डाउन होता है, फ्रीक्वेंसी नीचे ऊपर, हाँ ना हाँ ना, अगर इस चक्कर में तुम आ गए तो दावे के साथ फिर से गड़बड़ करोगे। तो तरीका क्या है, जो भी कुछ दिया उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर ईजी एंगल बाय सेक्टर है इसका इसका सेम, तो पूरा 2x हो गया, फिर बाद में सर ने इसको इसको पकड़ा पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे 2x आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x, क्योंकि FG क्या है एंगल बाय सेक्टर, फिर यहाँ पे z बनता है, इसको मैंने ट्रांसवर्स कंसीडर किया, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x, जैसे यहाँ पे 2x आ गया खल्लास, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, वही तो हमें चाहिए, इसका जो मेजर है इसके हाफ है, यहाँ पे 2x है, इसका आधा कितना होगा x होगा, फिर बारी आती है इन दो साइड्स की, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल हिट ट्रांसवर्सल, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे ऑलरेडी x है, इन ट्राइंगल ई एफ जी बेस एंगल आर सेम, तो बेस एंगल के सामने जो साइड होती है उसका मेजर भी सेम होता है, किसने कहा, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम ने, हेंस प्रूव थ्योरम, कोशिश की तो सब मुमकिन है, नहीं की तो कुछ भी नहीं, मुसीबत ही मुसीबत है। जय हिंद जय महाराष्ट्र।